नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सिटी पार्ट सलाह, आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट टाइम सर का एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल वीडियो शूट किया था, जिसमें सर ने अपनी पूरी जर्नी बताई थी कि कैसे उन्होंने बीएचयू में पढ़ाई करी और बीएचयू में ही पढ़ के आज ये पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं। और कहीं ना कहीं उस वीडियो के बाद बच्चों की इंक्वायरी इस तरीके से थी कि सर प्लीज़ आप एक बार तिवारी सर से बात करो और ये पता करने की कोशिश करो कि सर ने नेट में JRF स्कॉलरशिप कैसे लिया और सर का BHU के PhD में एडमिशन फाइनली कैसे हुआ। तो सर आज के इस टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक बार फिर से अपना अमूल्य जो समय है हम लोगों को दे रहे हैं, तो सीधे हम लोग सर का परिचय तो ऑलरेडी है ही, थोड़ा सा बता देता हूँ जो नए लोग हैं। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा बता दीजिएगा। मैं विवेक कुमार तिवारी और मैं गोंडा का निवासी हूँ, वर्तमान में यहीं से मैं PhD का स्टूडेंट हूँ। तिवारी जी, सीधे हम लोग आज अपने शैक्षणिक वार्तालाप पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है तिवारी जी कि आपने नेट की प्रिपरेशन के लिए बेसिकली सिलेबस को कैसे कवर किया? देखिए, नेट की जो तैयारी थी, मैं सर्वप्रथम MA जो एंट्रेंस तैयारी होता है उसी के आधार पर मैं उसी को बेस बना करके अपने आगे नेट JRF की तैयारी किया। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कभी भी आप नेट के मत रखिएगा। आप अपना जो फोकस केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा ही रखिएगा और आपकी जो इच्छा है यही होनी चाहिए कि हम JRF की तैयारी कर रहे हैं। आप पहले से ही अगर नेट को लेकर चल रहे हैं तो हो सकता है उसमें भी आपको निराशा प्राप्त हो। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सोचोगे तो कम वाला मिल जाएगा। हाँ, यही कहने का तात्पर्य है कि आप JRF पहले से रखिए और उसके अकॉर्डिंग आप खुद ही मेहनत कीजिए। अच्छा, और नहीं होगा, अगर JRF नहीं होता है तो अब इतना तो जरूर भरोसा है कि आप नेट तो जरूर ही हासिल करेंगे। तिवारी जी, आपका स्कोर कितना था? मेरा स्कोर था 200। 200, ये अपने आप में स्कोर कैसा है? एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज होता है, तो ये कम है ज्यादा है कैसा है? देखिए, स्कोर ना बहुत ज्यादा है ना बहुत ही कम है, ये भी नहीं कह सकते। स्कोर में आपको JRF मिल गया था? हाँ, इस स्कोर में JRF इसलिए मिल गया, कहीं ना कहीं हमको भी कहीं निराशा थी लेकिन जो उस साल का कट ऑफ और जो क्वेश्चन पेपर था डाउन चला गया। हाँ, क्योंकि हर आपका स्कोर जो है वो क्वेश्चन पेपर निर्धारित करता है, कट ऑफ कितना जाएगा, अगली बच्चे जितने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चन पेपर कैसा आ रहा है। हाँ, अगर सामान्य सी बात है, अगर क्वेश्चन सरल आया है तो सभी के लिए सरल है तो कट ऑफ बढ़ेगा। और यदि क्वेश्चन कठिन आया है तो सभी के लिए आया है तो कट ऑफ डाउन जाएगा। अच्छा, तो आप 200 लाए और आपका JRF फेलोशिप हुआ। यस। PhD में एडमिशन के लिए आपने क्या नेट रेट वाला और एग्जामटेड वाला दोनों में? हम लोग के जो प्रक्रिया रही BHU के, क्योंकि मैं शुरू से ही यहीं प्रेफर कर रहा हूँ PhD के लिए, मैंने अन्य कहीं नहीं फॉर्म डाला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको एक ऑप्शन था JRF के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन था CUT। तो हमें इसलिए हमने दोनों ऑप्शन को अपने पास रखा और दोनों को करते हुए मैं CUT का भी एग्जाम दिया और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का भी, क्योंकि मन में ये भी था मैं कहीं और जा नहीं रहा हूँ तो यदि ऑप्शन भी ले रहा हूँ तो हमारे पास दो ऑप्शन होना चाहिए। एक मिनट, आ जाओ, तुम भी खड़ी रहो। हाँ, ठीक। एक के माध्यम से अगर नहीं होता है तो मेरा दूसरे वाले का है जो उसके माध्यम से हो जाए, इसलिए मैंने CUT का भी दोनों में आया कॉलिंग। हाँ, कॉलिंग कॉल लेटर दोनों में आया और मेरा CUT के माध्यम से हुआ। एग्जेम्प्टेड में भी मैंने दिया था, एग्जेम्प्टेड में 50 नंबर का था, तो उसमें आपको प्रपोजल अपना जिस टॉपिक है उस पे लिखना था। इधर आ जाओ, चलो आजा, शूट कर लेने दो। अरे यार, ए भाई रुक जा, इधर आ जाओ। एक मिनट, नहीं, हट जाएंगे। ठीक है, आप खड़े होइए। कोई बात नहीं है, गाय चलेगा। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन रखा और दोनों में ही प्रक्रिया भी अच्छी चुकी थी, 50-50 नंबर की थी। ए यार, आ जाओ, तुम लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, आ जाओ, तुम लोग बाद में फोटो खींचेंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे साथ चलो, चलो जाओ। थैंक गॉड, रुक, मैं आपको फिर फ्रेम में सेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ओके, डन। तो एग्जेम्प्टेड और CUT, तो दोनों में आपकी कॉलिंग आई थी बेसिकली। हाँ, कॉलिंग आई थी और एग्जेम्प्टेड में कह सकते नंबर जानकारी नहीं हुआ और CUT में मेरा 400 में से 312 मार्क्स था। अच्छा जी, और उसी के माध्यम से मैं
एडमिशन पाए जी। अच्छा, ये जानना है उस पर्टिकुलर, हम लोग वैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप स्मार्ट बोर्ड पर भी सिलेबस को जरूर डिस्कस करिए एग्जाम से पहले। यस, अभी ये जान लेते हैं कि बेसिकली आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे नेट के लिए अपने उसको छोड़ के। आप मैं फिर से कहूंगा जयरफ के बोलिए, क्योंकि मैं जिससे भी मिलता हूँ जयरफ, ठीक है, नेट एक्चुअली नेट का एग्जाम होता है, जयरफ फेलोशिप होता है, इसलिए मैं बार बार नेट तो जयरफ क्वालिफाई करने के लिए मैं जयरफ बोलता हूँ, ठीक है, जयरफ के लिए, क्योंकि आपका जो आपके जो मस्तिष्क में है वही चीज आपको अपने कार्य के प्रति उतना ही वो करना। आप नेट के लिए पहले से रखेंगे तो आपके मन में पहले से ही बैठा है कि इतने कट ऑफ जाता है, हमको इतना चाहिए, ठीक है। जयरफ के लिए कितने घंटे पढ़ते थे आप? जयरफ के लिए देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था कि क्लासेस भी होती थी और तैयारी भी करना था। मैं 60 एकदम सटीक आंसर चाहता हूँ, कितने घंटे पढ़ते थे? लगभग 8 घंटे नेट जयरफ के लिए। 8 घंटे नोट डाउन कर लो, 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा क्लास के अतिरिक्त, क्लास के अतिरिक्त 8 घंटे पढ़ते थे जी। ओके, आपको लगता था स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम पहली बार में निकाल लेंगे? मैं कॉन्फिडेंस तो इतना था क्योंकि मेरे पास जो एक उस समय ऑनलाइन अभी भी चल रहा है एक प्लेटफॉर्म है बहुत ही अनअकैडमी, वो मैं कुछ फ्री में, हाँ फ्री वाले के लिए मैं कर लिया था, तो उन्होंने इतना हमको प्रयास किया हम कोर्स खरीद लें, लेकिन मैं उनसे एक घंटा वार्तालाप हुई लास्ट तक उन्होंने कहा, मैंने मतलब डीमोटिवेट नहीं हुआ, वो कहा आपकी तो मोटिवेट मतलब कि आप तो उतना भरोसा, लेकिन एग्जाम बहुत कठिन है, आप क्रैक नहीं कर पाओगे, आप खरीदो मेरा कोर्स। हाँ, आपने नहीं लिया? नहीं लिया था। और आपने खुद से निकाल दिया? हाँ, एक घंटे तक मेरी इस पे वार्तालाप हुई उनसे वहां से। हाँ, उनका होता है कि कोर्स फेल हो जाए कैसे भी करके। हाँ, आप इससे समझ सकते हैं। अच्छा, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कितने होते हैं आपके के लिए, मतलब नेट में? देखिए 100 तो सब्जेक्ट से होते हैं। हाँ, और जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन, बेसिकली आप 150 क्वेश्चन टारगेट लेके चलते हैं कि आपके जो कोर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत है आपका, तो कितना सब्जेक्ट लेके चल रहे थे? सब्जेक्ट का लेके तो मैं चल रहा था 85+। 85+ जी। कितने करके आए थे आप? मेरा था 80। 80 सही, कितने हुए? नहीं, करके 100 आए थे उसमें। अच्छा, सही थे 80। 80 सही थे आपके जी। आप लोग के टाइम पे तो नेगेटिव मार्किंग भी था आप? नहीं, नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं, आप पे भी नहीं था, मतलब 80 आपने सही कर दिया था जी, ऐसा था ना टोटल? नहीं सॉरी, फर्स्ट में जो था 25 था, 26 क्वेश्चन, और इसमें था मेरा 75 जी। और आपने 70 पूरा किया था अटेम्प्ट? सही किया, अटेम्प्ट 100 किए थे, 100 पूरा। नहीं नहीं, इस स्कोर में जो 75 था आपका सब्जेक्ट से, उसमें कितना सही हुआ? मैं संस्कृत जानना चाहता हूँ। मेरा सब्जेक्ट में 75 क्वेश्चन अर्थात 150 नंबर। नहीं, सही कितना हुआ उसमें? आपने अटेम्प्ट 100 किए क्योंकि माइनस मार्किंग था ना आपके, वो भी तो रहे होंगे। हाँ, सब्जेक्ट का 100 होता है। अच्छा अच्छा, 100 मतलब समझ गया, कहने का मतलब ये है कि सर ने 100 अटेम्प्ट किया, 75 सही थे आपके जी। अच्छा, अपने आप में 75 अटेम्प्ट करना तो बहुत अच्छे स्कोर होते होंगे। हाँ, अच्छा ही है, लेकिन हम उसके आज भी कह सकते हैं कि हमको कुछ पहला चक्कर था जो जानकारी हमको नहीं थी, क्योंकि हम 100 अटेम्प्ट आप निकाल लिए थे। हाँ, तो उस वो गलतियां जो की उसको अभी आज भी कभी महसूस होता है, मैं इतना जा सकता था। अच्छा, आपको लगता है कि दोबारा बैठेंगे फिर निकल जाएगा आपका? हाँ। अच्छा, कहीं कहीं आप तो शिक्षक भी हो गए, आप पढ़ाते भी हैं, तो एक्सपीरियंस हो गया आपको, अनुभव है जी जी। क्या कहना चाहेंगे जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, उनका एग्जाम अभी आने वाले 15-20 दिनों? हम उनके लिए यही कहना चाहेंगे, आपने जो सिलेबस पढ़ा उसको जो जितना कंप्लीट हो गया है उसको आप रोज 3-4 घंटा रिवाइज करिए और 2-3 घंटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। रिवाइज का तात्पर्य है आप जो नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करिए और पेपर सॉल्व करिए। उसके बाद में यदि आपके पास समय बच रहा है, आपको लगता है ये टॉपिक मेरा भी नहीं हुआ है और मैं इसको भी कर सकता हूँ, फिर उस टॉपिक पे अपने ध्यान दीजिए जो अभी आप सिलेबस कवर नहीं किए हैं, और जो कवर कर चुके हैं उसको रिवाइज और क्वेश्चन सॉल्व। इससे आपको 3 चीज़ें होंगी, 2-3 चीज़ें। पहले तो आपको जब रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन पहले देखें, ये आपका मंत्र है बेसिकली, आपकी तैयारी का मंत्र यही है। हाँ, क्या मंत्र जानना चाहेंगे? मंत्र यही, मैं जैसे मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया था। कितने महीने में आप कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस को? 6 महीने। 6 महीने में आप कंप्लीट कर लिया। कितनी मोटी हो जाएंगे पूरे सिलेबस अगर मैं इकट्ठा करूँ तो? कुछ इतना मोटा कितना पूरा ऐसे? हाँ, कह सकते हैं सब्जेक्ट का हम अगर जोड़े तो 50-60 बुक समथिंग। 50-60 किताब पढ़ना पड़ेगा? हाँ, लेकिन उसमें भी क्या पढ़ना है वो जानना जरूरी है। वो जानना जरूरी है, मतलब 6 महीना है पूरा सिलेबस कवर करने में, तभी आप अच्छा कर पाओगे। 6 महीना तो चाहिए ही सिलेबस कवर करने के लिए। आपका स्पेशलाइजेशन किस में? व्याकरण में, ग्रामर में, साहित्य में? संस्कृत साहित्य।
एमए संस्कृत साहित्य, एमए संस्कृत साहित्य में बेसिकली आपका कुछ, मैं चाहूंगा साहित्य कुछ है क्या, कुछ छंद अलंकार कुछ दोहे, मतलब मैं तो उसका बहुत बढ़िया विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन मैं सुनना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे सुनने के लिए यद्यपि लेकिन मैं साहित्यिक स्पेशलाइजेशन हूँ लेकिन मैं जो छंद के अनुसार मैं गाना स्वयं को पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए अभी तो मैं मतलब बाद में कभी ट्राई करें। यस, ओवरऑल इस कन्वर्सेशन में और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। सूरज जो है वो ढल चुका है ऑलमोस्ट, हमारे चेहरे शायद कैमरे में ना नजर आए। इस वीडियो में हम लोग एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि सर आप प्लीज़ एक बार स्मार्ट बोर्ड पे सिलेबस को अच्छे समझा दीजिएगा, उसमें वेटेज बता दीजिए कि कितने कितने, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो भी एक महीने बाद देखेगा ना वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेगा तो सर का वो वाला वीडियो तब तक शायद उसमें पड़ा रहे, ऐसा हो सकता है ना? हाँ हो सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या वो वीडियो आप देखना चाहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सर स्मार्ट बोर्ड पे आपको अच्छे समझा देंगे तो आप वो ओरिएंटेशन समझ जाओगे कि पेपर में क्या क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। जी तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो के बाद जो कमिंग वीडियो जो आप जरूर देखिएगा, अभी सर का जब वो वीडियो हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे शूट करेंगे तो बेसिकली उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ देने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छा हो सके। यस, अगर लास्ट में सर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ आप जरूर कहिए। हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप जो आपके सपने हैं और अपनों का साथ है तो इसलिए आप अब पीछे मत हटिए अपनी तैयारी से, क्योंकि आपके साथ अपनों का जब जज्बात है इससे बड़ा और कुछ नहीं चाहिए आपको। अपनों का साथ और आँख में से जो सपने इसी को आप साकार करिए, अपना मोटिवेशन बना लीजिए और इसी पर अपना काम करिए। हाँ, क्योंकि वर्तमान में आप बिना सपने के जी रहे हैं तो हमें लगता है कि आप अपने मतलब चिड़िया बिना पंख के। हाँ ऐसा कुछ है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कीमती समय दिया और मैं नेक्स्ट वीडियो सर से स्मार्ट बोर्ड पे जरूर कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उसमें समय दें और वो सूट हो जाए जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक डू शेयर सब्सक्राइब लाइक दिस वीडियो। जितने एफिलेटेड के बीएचयू बच्चे देख रहे हैं प्लीज आप थोड़ा ही परेशान मत होना, मैं सर से आप लोग के लिए स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको सर जो है वो प्रॉपर गाइड जरूर करें। जो भी शाम में आधा एक घंटा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जरूर गाइड किया जाए, ठीक है? तो हर महा बहुत सारी शुभकामनाएं। लास्ट 18 दिन बचे हैं, कह सकते हैं 17 आप, मैं इस इतना कहना चाहूंगा 15 दिन मात्र ही मान लीजिए, आप इस पे कम से कम 10 से 12 घंटा दीजिए। 10 से 12 घंटा, हाँ, क्योंकि परीक्षा पास आ चुकी है और मानिए कि हमारा यही लास्ट है और मेरा आगे क्या होगा ये मत सोचो, बस अपने कार्य पे फोकस कीजिए और 12 घंटा दे रहे हैं उसमें से 3-4 घंटा तो क्वेश्चन सॉल्व के लिए और उसके बाद में अपना रिवाइज। हाँ, उसके बाद में जो अगर टाइम बच रहा है आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, इससे भी डिमोटिवेट होते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जितना तैयार हो उतने पे फोकस करके दे सकते हैं एग्जाम? उसको फोकस करके उतना कंप्लीट है तो अदर का भी जो जोड़ने की कोशिश करें। हाँ, क्योंकि जो तैयार है उस पर रिविजन मारते रहे। बिल्कुल, चलिए ये बहुत अच्छा मंत्र है सर का। प्लीज आप लोग ये बातें ध्यान रखिए और आने वाले 15 दिन बाद जो आपका एग्जाम है तो मन से दीजिएगा, तब तक हम लोग आपकी मदद करेंगे फ्री में जो हो सकेगा हमारे से। यस, ठीक है, चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई कि आप, हम यही चाह रहे हैं जो भी दर्शक है उनका जेआरएफ हो और बीएचयू में दाखिला हो। हाँ, मन चाहे कॉलेज में दाखिला, मन चाहे कॉलेज में दाखिला हो और आप अपने लक्ष्यों पर सतत सपनों पर कार्य करते रहें जो भी आपको करना है। यद्यपि ये नेट जेआरएफ तो कुछ नहीं है, आपका एक मार्ग है, माध्यम है, उस जो आपको लक्ष्य है पहुंचना उसका एक ये भी एक साधन है, तो इसलिए इसको पहले प्राप्त करिए फिर आगे का अपने भविष्य के लिए आगे जो कार्य करना उसको पूर्ण कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। महादेव, धन्यवाद।